हेलो दोस्तों, लेबनिस थ्योरम से रिलेटेड हम क्वेश्चन कर रहे थे। देखिए, उसी से रिलेटेड ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। इफ़ एक्स इज़ टू 10 log y, देन प्रूव दिस। देखिए कैसे प्रूव करेंगे। हमें क्या गिवन है, जो गिवन है पहले उसको लोग लिखो। एक्स इज इक्व टू 10 log y, ठीक है। तो मैं 10 को इधर ले आता हूँ इसके साथ, तो log y कितना रह जाएगा मेरा, 10 inverse x, ठीक है। यहाँ से y की वैल्यू निकालो, y कस्ट, ये बेस e है। बेस 10 के लिए हमेशा वो बोलता, बेस e के लिए नहीं रिप्रेजेंट करता वो, ठीक है। अगर नहीं गिवन होगा तो क्या मानेंगे हम उनसे, नेचुरल लॉग, यानी बेस e वाला। तो मैं y की वैल्यू निकालूंगा तो ये e की पावर में चले जाएगा सारा, जो भी इधर रहता, 10 inverse x, ठीक है। y की वैल्यू आ चुकी है हमारी। अब क्या करेंगे, देखिए एक बार इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। पहले क्या होता है, e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x इंटू इंटू जो ऊपर है पावर में उसका होगा। 10 inverse x का क्या होता है, 1 upon 1 plus x square, ठीक है। 10 inverse x का फॉर्मूला मैं क्या करता हूँ, 1 plus x square को इधर ले आता हूँ, 1 plus x square को इधर ले आया, ठीक है, इंटू y1। और इसकी जगह e की पावर 10 inverse x की जगह मैं क्या लिख लूँगा, e की पावर 10 इनवर्स x की जगह मैं ये लिख लूँगा, ठीक है, y। इसी जगह मैंने y लिख लिया और इसको मैं इधर ले आया। अब क्या करूँगा, मैं लेबनिज़ थ्योरम लगाऊंगा। देखिए दो दो फंक्शन का मल्टी वो प्रोडक्ट आ गया। तो लेबनिज़ थ्योरम क्या कहती है, अगर दो फंक्शन u और v x के फंक्शन है, अगर वो प्रोडक्ट में आ जाए तो उनका nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, nc0 un v nc1 un-1 v1 nc2 un-2 v2, ऐसे ही nc n, u और v n तक, ठीक है। अब देखिए इसको मैं क्या मानूंगा, क्योंकि ये कुछ स्टेप बाद 0 हो जाएगा, तो इसको मैं v मानूंगा और इसको क्या मानूंगा, n मानूंगा। तो n टाइम्स हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। अगर n टाइम्स में डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा मेरा, देखिए इधर मुझे क्या चाहिए, पहले यू एन चाहिए, तो यू एन क्या हो जाएगा मेरा, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूले लगा रहा हूँ मैं, NC0, ठीक है, यू एन यानी वाई का एक बार ऑलरेडी हुआ पड़ा है, एन टाइम्स शो करूंगा तो क्या हो जाएगा, एक ऐड हो जाएगा उसमें, यानी y n+1 इंटू वी, वी की जगह क्या है, 1 plus x square प्लस NC1 un-1। यू एन कितना आया मेरा, यू एन आया y n+1, एन को n-1 से रिप्लेस करो, क्या बचेगा यहाँ पे, yn। v1 कितना हो जाएगा इसका, 0, x स्क्वायर का कितना आ जाएगा, 2x, ठीक है। nc2 अगले un-2, इसमें n-2 से मैं रिप्लेस करता हूँ एन को, तो क्या बचेगा, yn-1, ठीक है। 2x का डिफरेंशिएशन करो कितना आ जाएगा, 2। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 0 आते चले आएंगे सारे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में 2 का डिफरेंशिएशन 0 होगा तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे v3 क्या हो जाएगा, 0, v4 0, v5 0, तो यहीं पे छोड़ देंगे। y का इन टर्म डिफरेंशिएशन करो क्या आएगा, yn, ठीक है। nc0 कितना होता है, 1, तो इसको मैं ऐसे लिख लूँ, 1 plus x square yn+1। नेक्स्ट देखिए yn है, yn इधर है, yn-1 इधर है, तो मैं yn को एक पास लिख रहा हूँ। nc1 कितना होता है, n इंटू 2x, वाई एन पहले इधर ही मैं ले आता हूँ, चलो -yn। nc2 कितना होता है, n n-1/2, ठीक है, इंटू yn-1 × 2 = 0, ठीक है। 1 plus x square और yn+1, ये कितना हो जाएगा, वाई एन में यहाँ से कॉमन ले लूँ तो कितना हो जाएगा, 2 nx-1 × yn, ठीक है। इस 2 से ये 2 कैंसिल, कितना बचेगा, n n-1 yn-1 = 0। हमें क्या प्रूफ करना है, देखो इसमें इसको मिलाओ, 1 plus x square yn+1 + 2 nx-1 × yn + n n-1 × yn-1 = 0, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया, यही प्रूफ करना था हमें। देखिए बस मैंने कहा फंक्शन को u और v के प्रोडक्ट के टर्म में ले आइए, उसके बाद लेबनिट लगाइए, उसके बाद वो खुद प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, ओके, थैंक यू।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।